नमस्कार दोस्तों, मैं आप लोगों को आज कुछ एक अलग चीज़ दिखाना चाहूँगा जो कि बहुत ज़रूरी है। ठीक है, तो आप लोगों को मैं दिखाऊँगा। आप देख सकते हैं ये वायर है, इस वायर को आप शायद पहचान जाए तो ठीक है, मैं पहचानने तो मैं बता दूँगा। ये DTH का वायर है, DTH केबल इसको बोलते हैं। ठीक है, इसमें जो है देखिए हमारे जो इसके आगे का चीज़ है आप देख सकते हैं, इसे आसानी से बिल्कुल आसान तरीके से देख सकते हैं। इसमें जो पिन लगाते हैं कैसे लगाते हैं मैं आप लोगों को देखकर बताऊंगा। और वीडियो को देखने से पहले आप लोग सब्सक्राइब जरूर करें और लाइक कमेंट शेयर जरूर करें। ठीक, तो दोस्तों देख सकते हैं इससे हम कटर की मदद से, ये वायर कटर है, इसकी मदद से इसे छीलना है। और कैसे छीलना है आप लोगों को मैं दिखा सकता हूँ। इसको हल्के हाथ से दबाना है, अगर ये नहीं है आपके पास तो फिलहाल चाकू से कर सकते हैं, चाकू से, और हल्का से इसे पुश करिए, देखिए आसानी से निकल जाएगा। ठीक है, और इसी ये देखिए कुछ निकल रहा है, इसको हम ऐसे मोड़ सकते हैं पीछे की तरफ। पीछे की तरफ मोड़ने के बाद हम इसे देखिए ये यहाँ से सटा के बिल्कुल काट देंगे, यहाँ से देखें ये पिन निकल गया है। ये DTH जो हमारा मशीन होता है, मैं आपको मशीन भी दिखा दे रहा हूँ, लेकिन ये मेरे पास मशीन रखा हुआ है, इसके पीछे हम लगाते हैं इनपुट में, एक इनपुट या आउटपुट है तो इनपुट में हमेशा लगता है। तो इसमें कैसे लगाएंगे मैं आपको उसके लिए बताऊंगा, पहले एक पिन बना देता हूँ। देखिए मार्केट में तो ये आसानी से मिल जाता है, एक ये है और एक ये है और एक ये है, मेरे पास तीन प्रकार के हैं, तीनों के बारे में आपको जरूर बताऊँगा। तीनों बेहद आसानी से लग जाएगा, ये तो लगभग मुश्किल से मार्केट में 5 रुपये का मिल जाएगा, ये 10 रुपये का मिल जाएगा, ये लगभग 20 रुपये का मिल जाएगा। मेरे हिसाब से सबसे बढ़िया ये है, खास करके मैं इसके बारे में आपको बताना चाहूँगा और ये भी इसके बारे में भी बताऊँगा, आपको दिखाऊँगा। ठीक है, तो ये बहुत नाजुक और कमज़ोर होता है, तो खैर इसको जाने दीजिए, आपको मैं दो चीज़ के बारे में दिखाऊँगा। एक ये पहले इसको दिखा देता हूँ, इसको आप देख सकते हैं बिल्कुल आसान तरीके से, इसमें एक लाद भी आता है वायर को दबाने के लिए। ठीक है दोस्तों, देखिए ये वायर आप पहले डाल दीजिए, ये जो लाख है मैंने आपको पहले बता दिया काट के कैसे छीलना है कैसे मोड़ना है, ये वायर आप डाल दीजिए पहले। ठीक है, ये पहले से डाल दीजिए, इसके बाद इसको आप देख सकते हैं बहुत आसान तरीके से किस तरह से दिख रहा है, इसे हमें ऐसे डालना है और ये जो वायर छिला हुआ है जो हमने पहले छिला था इसके अंदर डालना है। ठीक है, ये देखिए ये ऐसे, ये तो कोई बहुत आसान है, इसमें कोई खतरा नहीं, कोई रिक्स नहीं है, आसानी से कर सकते हैं, घर पर भी कर सकते हैं। देखिए हल्का हल्का दबाते जाएंगे ये घुसते जाएगा, हल्का हल्का दबाते जाएंगे ये घुसते जाएगा, और ये घुस गया एकदम फ्रेश करास हो गया। ठीक है दोस्तों, देखो कितने अच्छे तरीके से मैंने बनाया, बेहद आसान होता है लेकिन लोग घबरा जाते हैं कि कैसे करें कैसे नहीं करें, तो डरना कोई जरूरी नहीं। और ये जो पिन आपको मैं दिखा ना, ये पिन आप यहाँ पर ला सकते हैं, लाने के बाद पिलास जो हमारे घर में पिलास होता है पकड़ता है उसको आप ये आगे के जो दिख रहे हैं ना यहाँ से ऐसे दबा सकते हैं, हल्के हल्के दबा के पुश कर देंगे ये इस तरह से, बिल्कुल इस तरह से, देखिए कितना मजबूत हो गया, देख रहे हैं ना, ये निकलेगा नहीं, कितना भी खींचो निकलने वाला नहीं, देखिए इतना भी नहीं है कि जोर लगाएंगे नहीं निकल तो निकल जाएगा, बहुत ज़्यादा जोर से खींचेंगे तो निकल ही जाएगा। खैर ये इस तरह से हो गया। ठीक है, आपको मैं एक चीज़ ये दिखा दिया, अब मैं आपको इसका दूसरा जो छड़ा है ये मशीन में देखिए कैसे लगता है इसको भी बता दूँ मैं आपको, इसी लगले ये बहुत ज़्यादा गबा रहा है तो हल्का सा काट सकते हैं, और इसके पीछे इनपुट में आसानी से लग जाएगा। आप देखिए ये डालें हल्का सा और इसको घुमा दीजिए धीरे धीरे, देखें तो ये काम जबरदस्त हो जाता है, जो आप पहले दिखाइए लगभग 5 रुपये मिलता है लेकिन ये पूरी चोरी पकड़ता नहीं, इसका चोरी बहुत कम होता है, तो उसको जाने दीजिए, इसकी राय को मैं आपको नहीं दूंगा, जो अच्छा चीज़ है उसी के बारे में बताऊंगा। तो ये आप आसानी से डाल सकते हैं निकाल सकते हैं, ये थोड़ा महंगा मिलता है, 10 रुपये का एक पिन मिलता है, इसका 20 रुपये जोड़ा मिलता है, दुकान पर आसानी से मिल जाएगा। ठीक है दोस्तों, ये आपको अच्छा लगा वीडियो देखकर तो लाइक कमेंट जरूर शेयर जरूर करें। और ये देखिए इसका दूसरा भाग, दूसरी चीज़ है ये, मैं इसके बारे में बताऊंगा, ये खास करके बताऊंगा क्योंकि ये बहुत से लोगों को लगाना नहीं आता है, जो मिस्त्री हैं आजकल के उन लोगों में, वो जो अच्छे हैं सीनियर हैं उन लोगों तो लगा लेंगे, खैर जो नए हैं उनके लिए तो दिक्कत है, इसलिए मैं आप लोगों को बताऊंगा। ठीक है, देखिए इसको आप पहले छील लीजिए उसी तरह से जिस तरह से छीले थे, ये इस तरह से, ठीक है, थोड़ा सा और छील लीजिए ताकि कट जाए तो चले, बाद में काट सके, बाद में दिक्कत ना हो। इसे फिर वापस मोड़ लीजिए, देख रहे हैं आप लोगों को अच्छी तरह से दिख रहा होगा मेरे हिसाब से, मैंने कैमरा ऑन किया हुआ है, अपने हिसाब से किया हुआ है, देखिए ये हमने काट दिया। इसे काटने के बाद ये पूरा नहीं काटना है, इसे थोड़ा सा छोड़ के, आप देख सकते हैं कितना मैं छोड़ रहा हूँ,
देख सकते हैं दिख रहा है अच्छी तरह से, ये इतना छोड़ के इसे काट देना है बिल्कुल इस तरह से एकदम फ्रेश। ठीक है, अब इसे देखो मैं आपको लगाऊंगा। इसे लगाने के लिए तो मशीन आता है, तो मशीन लगभग मार्केट में आपको 600, 700, 800, 1000, 2000 तक का भी आता है, जिस जिस क्वालिटी उस तरह का महंगा मिलता है। ठीक है, तो मैं आप लोगों को देसी जुगाड़ बताऊंगा, इडिया अपना जुगाड़ पे ही चलता है। जो गरीब मिस्त्री हैं, जो बहुत पैसे वाले नहीं हैं, उनके लिए बहुत अच्छा है। मैं भी बहुत गरीबी हूँ, क्या किया जाए, टेक्निकल यूज कर रहा हूँ। देखिए छोड़िए इन सब बातों को, आप देखिए इसे कैसे लगाना है बिल्कुल आसान तरीके से। ऐसे इसमें डालिए, देखते रहिए, डाल दिया ना बिल्कुल आसान तरीके। ये भी इतनी मिर्ची हमने डाल दिया है, अब इसे लगाना कैसे है मैं ये आपको बताऊंगा। थोड़ा सा आपको रुकना होगा, बस एक सेकेंड। देखिए दोस्तों, देसी जुगाड़ बता रहा हूँ आप लोगों को मैं। ये जो डीटीएच मशीन होता है ना, उसका ये मदरबोर्ड है, तो ये खराब है, इसलिए मैं इसको यूज में ले रहा हूँ। ठीक है, ये क्लास की मदद से आप ये जो देख रहे हैं इनपुट वाला टर्मिनल, या कोई भी ले सकते हो, जरूरी नहीं है खराब है, इसको हम आसानी से तोड़ लेंगे। देखिए बिल्कुल आसान तरीके से तोड़ना है, कोई जबरदस्ती नहीं करना है ताकि आपको चोट ना लगे। ठीक है, ये देखिए मैंने निकाल लिया है, एकदम सिंपल आइडिया आपको बता रहा हूँ ताकि आपको ज़्यादा तकलीफ ना हो। ठीक है दोस्तों, ये इसका पिन बहुत ज़्यादा बड़ा है, ये काट लेगा फिर बाद में अपने हिसाब से करो। देखिए इसको आप बहुत ध्यान से देखिए और समझिए। ठीक है, ये आप जो आप देख रहे हैं, ठीक है, पिन ज़्यादा बड़ा है, इसको आप पहले इसमें लगा लीजिए ऐसे, इसके साथ ये चुभी लगा दीजिए बिल्कुल एकदम आराम से, एकदम टाइट कर दीजिए। ठीक है, समझिए, ध्यान से देखिए ताकि आप बाद में ना कहें कि मैंने वीडियो देखा नहीं। अगर आप देखे नहीं तो फिर से देख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। देखिए बिल्कुल आसान तरीका है, आपको मशीन खरीदने की जरूरत नहीं है 800, 900, 1000 की। इसके बाद देखिए आप ये ऐसे पकड़ लीजिए बिल्कुल ऐसे, ध्यान से देखिए दोस्तों, फिर मत कहना। और एक हथौड़े की मदद से या किसी चीज़ से धीरे धीरे पुश करिए, वही वायर लगा रहना चाहिए। ठीक है, देखिए देखिए ये घुस रहा है धीरे धीरे। ठीक है, देखिए मैंने इसे ठोक दिया है, जो ये निकला हुआ है इसको आप ज़्यादा घुमा दीजिए, इसके पास में बिल्कुल पास में घुमा दीजिए। ठीक है, और जो ये आप पहले ठोक रहे जो लगाए थे, इसे आप आसानी से खोल लीजिए, एकदम प्यार से देखिए खोलिएगा, कोई ज़बरदस्ती नहीं है। देखिए कितने आराम से निकल गया, निकल गया ना। और ये आपका तो भाई नंबर एक का काम हो गया, इसे कहते हैं सुपर वन और नंबर एक का काम। इससे क्या है, आपको झंझट बीमारी हर चीज़ ये आपका निकालना है, हिलाना डुलना। देखिए कितना मैंने अच्छे से फिट कर दिया, देख रहे हैं आप, ध्यान से देखिए, दिख रहा होगा आप लोगों को शायद, ये जो पीला हुआ था, पीला वाला था, देखिए इसमें देखिए, ये जो पीला वाला इसके निकला हुआ बाहर, जिस तरह से मैंने इसे ठोका है, तो ये पीला वाला इसके अंदर पूरा घुस जाएगा। देखिए इसमें घुस गया है, ठीक है, ये घुस गया है और ये लॉक हो गया है। ये अंदर जाने के बाद वायर को, ये जो प्लास्टिक का, ये अंदर फैल जाता है और इसे निकलने नहीं देता है। ये देखिए उससे दुगुना मजबूत है, ये बहुत ज़्यादा मजबूत है। इसे निकालना भी बहुत आसान है, बहुत बहुत ही आसान है। अरे मैं इसे अगली वीडियो में बताऊँगा, तब तक बने रहिएगा। ठीक है, और इसका अगर ये आपको पिन बड़े समझ में आए तो उसे आप काट सकते हैं, और आपको मैं डीटीएच के पीछे कैसे लगाते हैं लगा कर दिखा देता हूँ। बिल्कुल सही जानकारी आपको दिया जा रहा है, आप इसे गलत ना समझिएगा। देखिए एकदम सुपर मस्त, ना हिलना ना डोलना ना कुछ ना कुछ, है ना जबरदस्त। इसमें इसको जरूर आप अपनाइएगा घर पे, किसी को सिफारिश की जरूरत नहीं है, आप आसानी से लगा सकते हैं। जो भाई जानते हैं, हमारे दोस्त कारीगर मिस्त्री भाई लोग जो जानते हैं, प्लीज़ वो नाराज ना होइएगा, क्योंकि आप सोचते होंगे कि ये बड़ा बहुत बहुत बड़े मिस्त्री बन रहे हैं, ऐसी कोई बात नहीं है। मैं अपने भाइयों को लोगों के लिए बना रहा हूँ, जो नहीं जानते हैं उनके लिए मैंने ये बनाया है वीडियो, और जो जानते हैं उनके लिए कोई बात ही नहीं, तो हमसे भी बड़े बड़े सीनियर हैं। ठीक है, देखिए दोस्तों मैंने दोनों बना दिया है, ठीक है, ये सबसे बेस्ट है, दूसरा नंबर पर ये, तीसरे वाले को तो मैंने फ्लॉप कर दिया है, उसको नई बनाया है। ठीक है, वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कमेंट शेयर जरूर करना। जय हिंद, जय भारत दोस्तों।